आदाब, पलपल न्यूज के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में आज 18वें दिन पर बहस आकर के पहुंच गई है, जहां 16वें दिन तक हिंदू पक्षकार के वकीलों ने अपनी दलीलों को रखा और उन दलीलों को इस कदर पेश किया गया कि रंजन गोगोई भी और तमाम चीफ जस्टिस ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार ये लोग तथ्यों को, आज के तथ्यों को जोड़ करके, पुराने तथ्यों से जोड़ करके क्या कहना चाह रहे हैं। इसका जवाब अभी पूरी तरीके से हिंदू पक्षकार के वकीलों की तरफ से नहीं मिला और जो हिंदू पक्षकार के लोगों ने सवाल उठाए कि वहां मंदिर नहीं था, वहां मस्जिद नहीं थी और रामलला का जन्म वहीं हुआ था और 1982 में डकैती हुई, जो डकैत सोना जायदाद सब छोड़ करके सिर्फ ले करके गए, तो राम जन्मभूमि के वो कागज जिस पर उन्हें पता था कि बहस होगी। रंजन गोगोई तमाम मुद्दों को बारीकी से देख रहे हैं, तमाम चीजों को बारीकी से समझ रहे हैं। 16 दिन तक हिंदू पक्षकार ने अपनी दलीलें रखी, उन दलीलों को शांतिपूर्वक तरीके से सुना गया। इस बीच मुस्लिम पक्षकार पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार करे हुए बैठे हिंदू पक्षकार की दलीलों को सुन रहे थे। तो जब 17वें दिन पर पहले बार मुस्लिम पक्षकार के बोलने का समय आया तो हिंदू पक्षकार के लोग पूरी तरीके से बौखला गए और हो हल्ला करने लगे, जिसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को उन्हें फटकार लगानी पड़ी कि आप कोई सिनेमा हॉल में नहीं बैठे हुए, ये सुप्रीम कोर्ट है, तो हद में रह करके अपनी बातों को आगे रखें। पर हिंदू पक्षकार कहां सुधरने वाले थे, जो दलीलें मुस्लिम पक्षकार की दमदार दलीलें कहिए कि जो दमदार दलीलें उन्होंने पेश की है, उससे हिंदू पक्षकार के रोंगटे खड़े हो गए हैं कि आखिरकार हमसे चूक कहां हुई। तो चलिए इस पर ज्यादा ना बहस करके आपको बताते हैं कि आज 18वें दिन की दलील में क्या कुछ घटा है। अयोध्या मामले में 18वें दिन की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि बाबरी मस्जिद में भगवान की मूर्ति स्थापित करना छल से किया हुआ हमला है। राजीव धवन ने कहा कि हिंदू महासभा ने कहा कि वो सरकार के पास इस मसले को लेकर जाएगी, इसका मतलब है कि कोर्ट का ये अधिकार क्षेत्र नहीं है, इस तरह के शो पर रोक लगनी चाहिए, नो मोर रथ यात्रा। राजीव धवन ने कहा कि हिंदू पक्ष की दलील है कि मुस्लिम पक्ष के पास विवादित जमीन के कब्जे के अधिकार नहीं है, ना ही मुस्लिम पक्ष वहां नमाज अदा करते हैं। उसके पीछे वजह यह है कि 1934 में निर्मोही अखाड़ा ने गलत तरीके से अवैध कब्जा किया, हमें नमाज पढ़ने नहीं दी गई, हिंदुओं ने मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोक दिया था। जस्टिस बोबड़े ने पूछा कि क्या जब किसी मुस्लिम ने इस बात की शिकायत की कि उसे नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, तो उस पर कोई कार्रवाई हुई थी। इस पर राजीव धवन ने कहा, मस्जिद में मूर्ति का ना होना कोई चमत्कार नहीं बल्कि सोचा समझा हमला था। उन्होंने कहा कि मेहराब के अंदर अल्लाह शब्द के शिलालेख हैं। धवन ने पुरानी तस्वीरें कोर्ट में पेश कर दावा किया कि विवादित इमारत के मध्य वाले मेहराब के ऊपर अरबी लिपि में बाबर और अल्लाह उत्कीर्ण था, इसके अलावा कलमा भी लिखा था। उत्तरी मेहराब की कैलीग्राफी यानी कलात्मक लिखाई में 3 बार अल्लाह लिखा था, पास में ही फिर राम राम भी लिखा दिया था। जस्टिस भूषण और जस्टिस बोबड़े ने पूछा कि क्या किसी खंभे की तस्वीर भी आप पेश करेंगे। धवन ने इस पर कोई साफ साफ जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा कि दशकों तक वहां ताला पड़ा रहा, हर शुक्रवार को ताला खुलता रहा और हम नमाज पढ़ते रहे, फिर भी ये कह रहे हैं कि वो मस्जिद नहीं थी। 1947 में दिल्ली में तोड़ी गई 30 मस्जिदों को पीएम नेहरू ने बनाने का आदेश दिया। उधर एक फैजाबाद के डीएम के
नायर थे जो कह रहे थे कि फैजाबाद में मंदिर था जिसे तोड़ा गया। बाद में नायर की फोटो इमारत में लगाई गई। साफ है कि वो हिंदुओं के पक्ष में भेदभाव कर रहे थे। हम कह सकते हैं कि दोनों ही पक्ष वहाँ उपासना करते रहे, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि वहाँ मस्जिद नहीं थी? धवन ने एक तस्वीर नुमा नक्शा दिखाकर कहा कि 1480 गज का भूरे रंग का हिस्सा देवता और निर्मोही अखाड़े को दिया गया। 740 वर्ग गज का हिस्सा मुस्लिम पक्षकारों को दिया गया। धवन ने कहा कि हिंदुओं का दावा है कि बीच वाले गुंबद के नीचे ही राम जी का जन्म हुआ था। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि आप कैसे कह सकते हैं कि राम वहीं पैदा हुए थे? इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, आपका दावा ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं है। अगर थोड़ी देर को मान भी लें कि जन्म वहां हुआ, तो परिक्रमा के दावे करने का क्या मतलब है? 23 अगस्त 1989 को सुन्नी वक्फ बोर्ड इस मुकदमे में पार्टी बना। जन्मस्थान को राम जन्मभूमि कहते हुए हिंदुओं ने दावा किया कि वो हमेशा से उनके कब्जे में रहा। अब जन्म स्थान जन्मभूमि के अर्थ में काफी अंतर और कंफ्यूजन भी है। मुस्लिम पक्षकारों की ओर से वकील राजीव धवन ने कहा कि 22-23 दिसंबर 1949 की रात से पहले तो रामलला राम चबूतरे पर ही थे। चबूतरा जन्म स्थान के बाहरी आहते में स्थित था। ये जगह का बदलाव भी स्वयंभू की दलील के उलट है। बाहरी आहते में राम चबूतरा, सीता रसोई और भंडार थे जिन पर निर्मोही अखाड़े का कब्जा था। अंदर रामलला के गर्भगृह का, हिंदू मुस्लिम दोनों का। लेकिन 22-23 दिसंबर की रात निर्मोही अखाड़े के साधुओं ने जबरन घुसकर मस्जिद की इमारत में रामलला की मूर्ति रख दी। इसकी FIR भी है। घटना के बाद अखाड़े वालों ने वहां गैर हिंदुओं के वहां प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। धवन ने कहा कि रामलला को नाबालिग बताते हुए उनके अतरंग सखा अचानक कब्जे की आस में अदालत पहुंच गए। अब कानून की निगाह में स्थापित विधि के मुताबिक रामलला की मूर्ति को कानूनी व्यक्ति की मान्यता तो हो सकती है, पर वो मुकदमा नहीं कर सकते। निर्मोही अखाड़े की भी इस दलील से हम पूरी तरह से सहमत हैं। सुनवाई गुरुवार को जारी रहेगी। दोस्तों, आपने देखा कि 18वें दिन में राजीव धवन ने अपनी दमदार दलीलें रखी और आज की शुरुआत हुई तो राजीव धवन को जो हिंदू पक्षकार के लोगों की तरफ से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और उन्हें सुरक्षा देने की मांग को आगे बढ़ाया है। गुरुवार को इस पर फैसला लिया जाएगा। पर राजीव धवन ने जब अपनी दूसरे दिन दलीलें रखी तो साफ तौर पर कहा कि वो एक छल था, जिस तरह से निर्मोही अखाड़े ने मस्जिद में मूर्ति को रखा वो देश के साथ एक छल था। जिस छल के बारे में ये बताना नहीं चाहते, उस छल के बारे में ये पूछना नहीं चाहते। और जब दलीलें रखी गई और साफ तौर पर राजीव धवन ने कहा कि वहां मस्जिद ही थी और जिस मूर्ति के आधार पर और जिस शिलालेख के आधार पर ये बोल रहे हैं कि वहां मोर बने हुए थे, वहां हाथी बना हुआ था, तो वहां आप जाकर के देखिए शिलालेख में जब मस्जिद बनी तो अल्लाह का नाम लिखा हुआ है और वहां पर बाबर की कुछ बातें लिखी हुई हैं। पूरी तरीके से तथ्यों को उलटने की कोशिश हिंदू पक्षकार कर रहा है और वहां मस्जिद ही थी ये कह करके राजीव धवन ने अपनी बात को आगे रखा। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मुस्लिम पक्षकार पूरे सबूतों के साथ अपने तथ्यों को कोर्ट के सामने पेश करेगा, जिनकी दलीलें 29 दिन तक चल सकती हैं। बाबरी मस्जिद पर मैं लगातार आप लोगों के साथ यूं ही जुड़ता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।